सभी को आपने संगम युग पड़ी परिधि परिकृत कह दी बाप दादा सदा कहते कि मैं आप बच्चों के लिए क्या लाया हूं हाथी पर स्वर्ग का राजभाग्य तो सबके हथेली पर स्वर्ग का राजभाग्य है ना जिसको कहते हैं दिल्ली पर विष्ट इससे बड़ी गिफ्ट और कोई दे सकता है इतनी भी बड़ी आदमी बड़ी गिफ्ट दे लेकिन बाप के गिफ्ट के आगे वो क्या होगी जैसे सूर्य के आगे दीपक संगम युग के यादगार निशानियां अन्य धर्मों में भी रहेंगे आपको बड़े युग में बड़े पाप ने बड़ी बड़ी गिफ्ट दी है इसलिए आज के बड़े दिन पर इस विधि से मनाते क्रिसमस फादर कहते फादर सदा बच्चों को देने वाला दाता है चाहे लोग एक रीति से भी देखो फादर बच्चों का दाता होता है ये है बेहद का फादर बेहद का फादर गिफ्ट भी बेहद की देते और कोई भी गिफ्ट कितना समय चलेंगे इतने अच्छे अच्छे मुबारक के कार्ड गिफ्ट में देते हैं लेकिन आज का दिन बीत गया तो उस कार्ड को क्या करेंगे तो थोड़ा समय चलता है ना कोई खाने पीने का मीठी चीजें भी देंगे वो भी क्या होंगे कितना समय चलेंगे कितना समय खुशी मनाएंगे नाचेंगे गाएंगे एक रात ना लेकिन आप आत्माओं को बहुत ऐसी गिफ्ट देते हैं जो इस जन्म में तो साथ है लेकिन जन्म जन्म साथ रहे दुनिया वाले कहते हैं खाली हाथ आए और खाली हाथ जाना है लेकिन आप क्या कहेंगे खाली हाथ जाएंगे आप फलक से कहते हो कि हम आत्माएं बाप द्वारा मिले हुए खजानों से भरपूर हो जाएंगे और अनेक जन्म पर रहेंगे 21 जन्म तक ये गिफ्ट साथ रहेंगे ऐसी गिफ्ट कभी देखी है
शांति, वेलकम। ओम शांति, स्वागत है सभी का व्यक्ति परिवार में। आज हम तीसरा दिन शुरू कर रहे हैं इस संयुक्त योग भट्टी, ज्वालामुखी योग भट्टी की बस एक की याद, जिसका टाइटल है लाइट हाउस माइट हाउस। तो अब हम सुनेंगे मोहिनी दीदी से। ओम शांति, ओम शांति। बाबा गिव सच ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स। बाबा इतनी सुंदर दैट जनरली दे से दैट, वैसे तो कहा जाता है लीव आवर हैंड्स आर एम्प्टी, छोड़ जाएंगे तो हमारे हाथ खाली होंगे। दे गिव द एग्जांपल, कई लोग ये उदाहरण भी देते हैं कि जब Alexander, Raja Alexander, he left body, he अपना शरीर छोड़ा उसने, by तो hands outside, वो कहता रहा so कि मेरे हाथों को बाहर रखना कि मैं लोग देख सके कि मैं अपने हाथ खाली रखकर जा रहा हूँ, कुछ नहीं ले जा रहा हूँ। लेकिन बाबा कहते हैं कि आप भरपूर हाथों से जाएंगे, आपके हाथ भरपूर होंगे, खाली हाथ नहीं जाएंगे। फिजिकल हैंड्स, पर ये हाथ ये साकार हाथों की बात नहीं we है, लेकिन संस्कारों की बात है। हम जो भी हमने पुण्य कर्म किए हैं, तो वो पुण्य कर्म हम साथ ले जाते हैं, कैसे हमने अपने मन का इस्तेमाल किया है, तो उस तरह का फिर मन हमें प्राप्त होगा अगले जन्म में। जैसे शरीर इस्तेमाल किया है कर्म योग किया है, बाबा की सेवा के प्रति उसको यूज किया है, तो अपने साथ फिर हम वो a body which is very healthy, ऐसा शरीर का संस्कार ले जाएंगे जो बहुत हेल्दी होगी, क्योंकि अभी योग बल से भी बहुत सारे जो प्रकृति के तत्व है वो पवित्र बनते जा रहे हैं। बाकी की जो भी शक्तियां है, रिसोर्सेज है, वो भी पवित्र बनते जा रहे हैं। ज्यादातर जो भी हमारे पास होता है हम कहते हैं चलो बाबा के लिए यूज करते हैं, यज्ञ की पालना के प्रति यूज करते हैं, तो वो जो भी हम अभी करते हैं वो हम अपने साथ ले जाएंगे, ले जा सकेंगे। so of course our hands will also तो be empty. जरूर हमारे हाथ ऐसे होंगे ना भरपूर, carry within the soul, हाथ फिजिकल all हाथ खाली होंगे, लेकिन आत्मा का जो हाथ है उसमें हम ये सारे खजाने कहो सारे संस्कार को ले जाते हैं। and as soon as soul is, और जैसे ही फिर आत्मा, even before child is born, बच्चा पैदा होने से पहले भी कहते हैं ना कि संस्कारों पर आधारित होता है, ये निर्णय लिया जाता है कि वो आत्मा कहाँ जाएगी संस्कारों के आधार पर। such a good connection of, और इतना सुंदर ये संबंध है कि भाग्य कैसे एक अपने साथ ले जाता है। family, मुझे याद है एक परिवार में जब पहला बच्चा पैदा हुआ था तो पिता का बहुत ही साधारण सा ऐसे काम था, लेकिन जब दूसरा बच्चा हुआ तो उसको मैनेजर की पोस्ट मिल गई। फिर तीसरा जब पैदा हुआ तो वो चेयरमैन बन गया, तो घर जो है बड़ा हो गया, उसमें बहुत सारे जैसे दास दासियां, रिसोर्सेस, बहुत कुछ कुछ। हर बच्चा जो आया तो अपना भाग्य लेकर आया ना। वास्तव में हम देखते हैं कि हर रोज में भी हम कैसे अपने भाग्य को अपने साथ ले जाते हैं। That's why we say what gift Baba gives us. इसलिए हम कहते हैं ना कि बाबा हमें क्या गिफ्ट देता है, वो जो अविनाशी है। Baba says, okay, बाबा any कहते हैं कोई भी गिफ्ट आपको मिलेगी तो वो कितना समय तक चलेगी, but the gift with Baba, लेकिन जो गिफ्ट बाबा देते हैं, जो सौगात बाबा देते हैं, वो सौगात न केवल 21 जन्म लेकिन
the traces of those संस्कार उस संस्कार के जो अंश है वो आपके आखिरी जन्म तक भी रहेंगे. We are very very fortunate. तो हम बहुत 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 भाग्यशाली है कि हमारे आखिर के जन्म में भी one of the fortunate that we are able two things one you are able to make effort. तो है कि भाग्य हमारा ये है कि हम पुरुषार्थ कर पा रहे हैं और दूसरा हम सेवा कर पा रहे हैं in whatever way. जिस भी तरीके से लेकिन हम कर पा रहे हैं. I might not have or many of us our personal wealth, material wealth. शायद मेरे पास अपना धन नहीं होगा material level पर, if we serve लेकिन with अगर love, मैं सेवा कर रही हूँ प्यार से स्नेह से, then the भावना emerges in many, तो भावनाएं इमर्ज होती है दूसरों में और फिर वो धन से सेवा कर लेते हैं. तो यज्ञ को फिर यज्ञ की पालना कर लेते हैं. It's really a point where तो ये सच में ये वो पॉइंट है जिसमें जिसके बारे में हमें थोड़ा मनन करना चाहिए और बाबा से इस सौगात को अपनाना चाहिए क्योंकि ये सबसे बड़ी सौगात है कि हमें ज्ञान की रोशनी मिली है. बाबा हमें समझ देते हैं और जैसे कि ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता है तो सब कुछ जो है बहुत बहुत स्पष्ट हो जाता है. क्या मुझे करना है, इसमें क्या फायदा है, तो बहुत गहराई से समझ प्राप्त होती है. वो जैसे रोशनी मिली, ज्यादातर ऐसे कहते हैं ना कि ज्ञान शक्ति है, ज्ञान रोशनी है और ज्ञान गुण भी है. अगर समझो अंधकार छा जाए अचानक से, तो आजकल तो हमें पता है कि फ्यूज को कैसे फिक्स करना है, लेकिन कभी कभी होता है कि इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा कुछ यहाँ वहाँ एडजस्ट करता है और हमें लाइट वापस मिल जाती है. तो क्या तो ज्ञान से फिर रोशनी कैसे आई? जैसे कुछ भी होता है जिसके पास ज्ञान है वो कुछ फिक्स कर सकता है ना, कुछ ठीक कर सकता है, उसको कहेंगे ना लाइट, जैसे रोशनी है. तो बाबा हमें ये तीसरा ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं और वो हमारी रोशनी है. और फिर बाबा उदाहरण देते हैं कि हमें लाइट हाउस बनना है. जब आप तीसरे नेत्र के द्वारा देखते हैं तो आप जो देख रहे हैं जैसे ब्रह्मा बाबा, आप सोच सकते हैं मैंने ब्रह्मा बाबा को 60 वर्ष पहले मैं उनसे मिली हूँ और उन्होंने मुझे बहुत प्यार भरी स्नेह भरी दृष्टि दी और उसने कुछ शब्द कहे और आज मैं याद कर रही थी कि कैसे उस समय उसने क्या देखा कि आज दिन तक भी मुझे महसूस होता है कि मैं जो कुछ कर पा रही हूँ क्योंकि बाबा की ब्लेसिंग्स मिली है, बाबा की वरदान मिले हैं. तो बस केवल एक लाइट हाउस होने के होने से आप हमेशा हमेशा आप उस रोशनी से भरपूर दिखाई देंगे. रोशनी के द्वारा आप क्या देखेंगे? जो उस आत्मा की विशेषता है, उसकी स्पेशलिटी है, वो ही देखेंगे ना. क्योंकि हर एक हम सभी में कोई किसी गुण के कुछ परसेंटेज कम भी होगा, फिर भी हाँ हमारे अंदर हम सभी के अंदर जैसे सहन शक्ति है, लेकिन किसी में ज्यादा है किसी में कम है. तो ब्रह्मा बाबा एक फरिश्ते के स्वरूप में, लाइट हाउस स्वरूप में, हर एक को देखा उसने, हर एक की विशेषता को. क्योंकि आप तीसरे नेत्र से क्या देखेंगे? ज्ञान के तीसरे नेत्र से क्या देखेंगे? इन दो नैनों से हाँ थोड़ा बॉडी कलर देख सकते हैं, उसकी उसका देश वेश भूषा देख सकते हैं, बहुत कुछ देख सकते हैं, लेकिन अभी तो हमारे पास ज्ञान है ना. तो ज्ञान के तीसरे नेत्र से हम विशेषताएं देखते हैं हमेशा. तो इसीलिए जो लाइट हाउस है
माना जैसे लाइट हाउस, जैसे हर समय चक्कर लगाती रहती है, लाइट हाउस की लाइट हमेशा घूमती रहती है। इसका अर्थ है कि हम जब रोशनी देते हैं, लाइट देते हैं, तो ये बहुत सुंदर अभ्यास है अगर आपको करना है तो, कि मुझे लाइट हाउस बनना है और हर एक को देखना है अपने तीसरे नेत्र से आत्मा के स्वरूप में, और आपको दिखाई देगा उस आत्मा की विशेषता, उसका पाठ, और आप फिर वहीं रुक जाओ, लेकिन वहां ठहर जाओ। माना कहने का भावार्थ है कि हमेशा उस आत्मा को फिर उस स्थान से मदद करना। तो लाइट हाउस का मुख्य कर्तव्य होता है जो भटकती हुई नाव है उसको रास्ता दिखाना। तो माना कोई भी आत्मा किसी भी समय पर अगर उसको थोड़ा सा भी संशय है या कंफ्यूजन है कि मुझे रास्ता भटक गया है, ये मंजिल बहुत ऊंची है, ये रास्ता बहुत कठिन है, ये संकल्प कभी कभी मन में आते हैं, तो आप उस समय उसको रोशनी दो। माना अपनी मन से, अपने मन से, मनसा सेवा के द्वारा, अपने शब्दों से, वाचा सेवा से सही दिशा दिखाना है और एक बहुत अच्छा उदाहरण बनना है। कर्मों के द्वारा भी आप उनको बता सकते हैं ना, और फिर आप देखेंगे कि आप माइट हाउस बनते जा रहे हैं। आपका जो पवित्र स्नेह है वो हमेशा जैसे शक्ति का रूप होगा और आत्माओं के लिए। ये जो सारी सद्भावना की भाव है या कल्याणकारी भावनाएं हैं, जैसे बाबा है विश्व कल्याणकारी, ऐसे हर एक को हमें भी हमेशा यही सोचना है कि दूसरों के लिए अच्छा क्या है, उसके लिए क्या अच्छा है। तो बहुत बहुत स्थिर रहना है, लेकिन अपने संकल्पों द्वारा बस बांटते चलो सभी के साथ शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं, बहुत कल्याणकारी भावनाएं, ताकि हर एक आत्मा वो दूसरी आत्माएं भी जैसे प्राप्ति प्राप्त करके, उस रोशनी से दिशा प्राप्त करके शक्ति भी प्राप्त करे, ताकि वो उसको पूरा कर सके जो भी उसको करना है। ये तो बहुत ही बेसिक साधारण कर्तव्य है एक लाइट हाउस का। ये नहीं कि हम बैठे हैं, परंतु मनसा सेवा जिसको हम कहते हैं वो बैठकर करते हैं, लेकिन ये हमारा स्वाभाविक एक स्वभाव बन जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब मैं बैठी हूँ तो मुझे शुभ भावनाएं देनी, लेकिन हर समय बहुत शुभ भावनाएं, बहुत शुभकामनाएं बहुत बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ जितना हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारी जो पवित्रता की रोशनी है वो भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि जितना आत्मा पवित्र बनती है तो किसी भी प्रकार का प्रभाव महसूस नहीं होता है, और जो कुछ भी होता है ड्रामा में वो हम उसको मान लेते हैं, सहजता से अपना लेते हैं। तो ये जो हल्कापन है पवित्रता की लाइट के कारण, ये भी बहुत बहुत जरूरी है। और बाबा हमेशा कहते हैं कि पवित्रता शक्ति है। बाबा ये उदाहरण भी देते हैं कि आप सारी दुनिया को थमाए रखते हैं। बाबा कहते हैं ना, बाबा कहा भी करते थे कि पहले जो साधु थे, संत आत्माएं थे, वो उनकी पवित्रता के कारण उन्होंने विश्व को बहुत जैसे आधार दिया है, लेकिन अब बाबा आया है सभी को जगाने के लिए, बच्चों को जगाने के लिए, और आप बच्चों को पवित्र जीवन जीने के लिए कह रहा है, ताकि आप भी पवित्रता की
मदद दे सके, आधार प्रदान कर सके। और परमात्मा प्यार भी बहुत बड़ी शक्ति है, क्योंकि परमात्मा का जो प्यार है एक विधाता के रूप में, उसमें कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं है, कुछ भी उसको चाहना नहीं है, रिटर्न चाहिए। कभी कभी कहीं कहते हैं कि बाबा को भी तो हमसे एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन वो अपने लिए नहीं है, हमारे लिए ही है। ऐसा नहीं है कि उससे हमसे कुछ चाहिए, लेकिन वो चाहता है कि हम आगे बढ़ते रहे, इम्प्रूव करते रहे, बाबा समान बनते रहे। और ये इतनी अच्छी भावना है, अगर इसको हम भासना ले, इसकी कि भावना ले कि इसको आगे बढ़ना किसे कहेंगे, मुझे क्या चीज है जिसने मुझे मदद की है इस जीवन में आगे बढ़ने के लिए, बाबा का प्यार या पूर्वजों का प्यार या हर समय जो हमें संभाल या पालना मिली है। कभी कभी यहाँ तक हम कहते हैं कि जो पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो देख नहीं सकते कि कौन उनको संभाल कर रहा है, लेकिन वो महसूस करते हैं संभाल करना किसी की, केयरिंग नेचर, ये बहुत ही सुंदर एक शक्ति है। ये पवित्र स्नेह के कारण, परमात्मा स्नेह के कारण ही ये स्वभाव बनता है जिसमें हम औरों की संभाल करते हैं। एक गुण जो सभी भक्तों में है, लेकिन दूसरा जो बाबा रिस्पोंड करता है, ये जो शक्ति है ये सिर्फ स्नेह नहीं है। हमने योग भी किया है, बाबा को बहुत याद भी किया है, बहुत स्वाभाविक रीति से हम इसको ज्वाला स्वरूप भी बना रहे हैं, तो वो भी शक्ति है। और पावर जो है, शक्ति जो है, वो स्वयं की स्मृति से भी आती है, सेल्फ अवेयरनेस, स्वयं की स्मृति, केवल स्मृति रहने, स्मृति में रहने से भी बहुत शक्ति आती। मैं कौन हूँ, मेरा पाठ क्या है, मुझे करना क्या है, तो इसको कहेंगे स्मृति। और खासकर ब्रह्मा बाबा के दिवस, स्मृति दिवस पर, जिसको हम कहते हैं स्मृति दिवस या जिसको हम कहते हैं शांति का दिन, मैं खासकर 18 जनवरी को याद करती हूँ, जब पहली बार 21st को 1969 में भोग ऑफर किया था, और बाबा ने कहा था स्मृति की शक्ति। तो बाबा ने जब कहा तो ऐसे ही लगा कि जब मैं स्मृति में होती हूँ तो मुझे शक्ति स्वरूप का अनुभव होता है, मैं संपन्न हूँ, संपूर्ण हूँ, और जब विस्मृति होती है, मैं भूल जाती हूँ, तो किस फिर उस समय ऐसे लगता है जैसे हम खाली हैं, कोई शक्ति नहीं है, शक्तिहीन या हिम्मत नहीं है। तो हम 18 जनवरी इस स्मृति दिवस को मना रहे हैं, हम उसको भी कहते हैं स्मृति दिवस, स्मृति ना, उसको भी अवेयरनेस भी कहते हैं। तो ये बाबा में याद दिलाते हैं, वो चाहता है कि हम उसके जैसे बन जाएं बस, नहीं? कभी कभी मुझे लगता है कि बाबा भगवान समान बनना क्या आपको पक्का है कि हम आप जैसे बने? कभी कभी लगता है कि नहीं, हाँ तो जरूर लगता है कि बहुत ऊंची मंजिल है, लेकिन फिर ये भी लगता है कि मैं उसकी संतान हूँ ना, तो किसके जैसी बनूंगी, तो मुझे जरूर अपने पिता समान बनना ही अच्छा लगेगा ना। मेरा पेरेंट है, मेरा पिता है, मेरी माँ है, मेरा सतगुरु है, मुझे उसके जैसा बनना है। तो बहुत ही ये बात, उस समान बनना, ये भी बहुत नेचुरल लगता है, स्वाभाविक लगता है। और बाबा ने जरूर हमें वर्षा दिया है, उसकी उसके गुणों का वर्षा, बस मुझे याद रखना है कि अपने मुझे वर्षा क्या मिला है। तो अगर आप अपने वर्षे को याद रखते हैं तो अपने आप आपको फील होगा और आप वैसा बन जाएंगे, बाप समान, आपको ऐसी भासना आएगी कि मैं बन भी जा रही हूँ। तो बहुत ही अलग ये
टाइटल है लाइट हाउस माइट हाउस बनने का, लेकिन ये बाबा चाहते हैं कि अपने संकल्पों द्वारा हम बस सारा समय स्नेह शक्ति शुभ भावनाएं और शुभकामनाएं सबके साथ शेयर करते रहे, और ये लाइट हाउस माइट हाउस का फंक्शन है या उसका कर्तव्य है। बहुत सुंदर ये अभ्यास है और इसको हम अनुभव किया है पहले भी हमने, लेकिन कल भी हम इसको और यूज करेंगे और ज्यादा देखेंगे कैसे अपनी भावनाओं को औरों तक पहुंचाएं। ओम शांति। मुझे यकीन है आप सभी को बहुत सुंदर आपका दिन होगा आज का, बहुत बाबा की याद का शक्तिशाली, बाबा की याद में बहुत शक्तिशाली भट्टी और अनुभव भी बहुत हुए होंगे, और अव्यक्ति परिवार में भी आज पूरा दिन निरंतर जैसे भट्टी चल रही थी। याद दिलाना है कल का जो स्केड्यूल है, कल बहुत ही खास दिन है। मधुबन में तो शुरू हो चुका है, भारत में अभी ऑलरेडी 18 जनवरी हमने पहला अमृत मेला किया भारत के साथ, 6:30 से 7:45 बजे तक भोग ऑफर करेंगे कोई दीदी, तो आप इसका अटेंशन रखना, और उसके बाद 6:45 से दीदी इंग्लिश में रीड करेंगे जिसका ट्रांसलेशन अवेलेबल है। आप में से कई हैं जो सेंटर पर जा रहे हैं, तो वहाँ पर वो ऑफर करेंगे तो वो भी बहुत अच्छा है, और अगर आपको यहाँ ज्वाइन करना आप घर पर है तो उसमें भी आपका स्वागत है। और बाकी का स्केड्यूल सेम है जैसे अभी पिछले 2 दिन हमने किया था, बाप दादा मिलन भी है और फिर सीनियर्स की क्लास भी है। So that's the only difference. And in the evening, we'll be having शाम को special bhog और फिर से हम लोग 6 बजे भोग ऑफर करेंगे, दीदी ऑफर करेंगे भोग अव्यक्ति परिवार की तरफ से। And yes, and then we'll do our session and then good night meditation together. Tomorrow also. Again, we will be having from 3 a.m. to 9 p.m. whole day. 9:30 तक Zoom open. Zoom पूरा दिन रहेगा। आप सबका स्वागत है। Maybe. और आगे बढ़ने से पहले हम और एक चीज आपको दिखाना चाहते हैं। मधुबन से हम लाइव दिखाना चाहते हैं। देखो मधुबन कितना सुंदर दिखाई पड़ रहा है। देखेंगे एक साथ। वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं, वो दिन कितने प्यार।
beautiful decoration of our sweet Madhuban home. Madhuban ka bahut sundar decoration dekha. Main bas ek jhalak dekhi. Kahi unhe already dekha bhi hoga, lekin samaya vyakti parivar mein bhi dikhana tha. और इस समय तो खास बहुत ही अलग किया है, बहुत स्पेशल भी है. व्यक्ति टीम का शुक्रिया. तो आज हम दादी प्रकाश मुखी को सुनेंगे और आज की क्लास में 18 कदम है बाबा की शिक्षाओं के. तो व्यक्ति जर्नी में देखेंगे प्रकाश मणि दादी जयंती से ज्ञान के कुछ मोती. देखो इस सीजन की चार मूल्यों में भी मीठे बाबा ने कितने मीठे राजों भरे इशारे हम बच्चों को दिए हैं. बाबा कहे ओ बच्चे क्या सीखें, नैनों में निरंतर बाप बिंदी को समाए लो तो मेहनत से छूट जाएंगे. ये साकार मूल्यों में भी. दूसरा, सत्यता महानता है, हर कर्म में सत्यवादी बनो. सच्ची दिल है तो साहब सदा राजी है. याद है ना मुरली अभी चली थी सत्यता पर. तीसरा, मन बुद्धि को सुपन तक भी मन बुद्धि को सुपन तक भी सदा शुभ और शुद्ध रखो तो इस नाजिक समय में बाप दादा के इशारों को बुद्धि क्लियर होगी तो क्लियर कैच कर सके. अब चौथा, अब हद की बातों में हद के संस्कारों में समय नहीं गंवाओ. हद की बातों में हद के संस्कारों में समय नहीं गवाओ. बाप दादा की राइट हैंड बनो. पांचवा, अपने रहम दिल मर्सीफुल स्वरूप द्वारा सकाश देने की सेवा करो. अशांत दुखी आत्माओं को सुख की किरणें दो. छठा, अब अनुभूति स्वरूप बन अनुभूति का कोर्स कराओ. अनुभवों की खान खोलो. ये अनुभूति वर्ष है तो अनुभवों की खान खोलो. सातवां, दुआएं दो दुआएं लो. अपने शुभ भावना की शक्ति से बद दुआओं को दुआओं में परिवर्तन करो. दुआएं दो, ये तो रोज याद करो. दुआएं दो दुआएं दो. आठवां, आप मुक्ति दाता के डायरेक्ट बच्चे हो तो विश्व के आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाओ. नौ, दिल से संकल्प करो कि हम स्वयं के प्रति व औरों के प्रति समस्या रूप नहीं बनेंगे लेकिन कारण का निवारण कर समस्याओं का समाधान करेंगे. समस्या नहीं बनेंगे परंतु निवारण करेंगे. दसवां, बाप समान
साक्षात फरिश्ते बन विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष होने की अब डेट फिक्स करो, प्रत्यक्ष होने की अब डेट फिक्स करो। 11 रूहानियत का सैंपल बन, रूहानियत का सैंपल बन संकल्प बोल कर्म द्वारा सहज योगी कर्म योगी जीवन का अनुभव करो। 12 एक वृत्ता बनो जो एक के स्व और कुछ भी याद ना आए, ऐसे ब्रह्माचारी बनो जो पवित्रता सुपन में भी भंग न हो। 13 एक दो को दिल से शुभ भावना शुभ कामना की मुबारक दो, शुभ भावना द्वारा हर आत्मा के भाव अशुभाव का परिवर्तन करो। 14 अपने इस ब्राह्मण जीवन में अमृत वेले से लेकर रात तक बचत का खाता जमा का खाता बनाओ, बाबा का ना जमा जमा खाता। 15 चेहरे पर रूहानियत और मुख पर मधुरता हो, एक शब्द भी मधुरता के बिना न हो। सुना 16 सदा उमंग उत्साह में उड़ते रहो, अलबेला व दिल शिकस्त कभी नहीं बनो, ना अलबेला ना दिल शिकस्त, उड़ते रहो। 17 हर खजाने को सफल कर सफलता भव का वरदान लो, और बाप व स्वयं के प्रत्यक्षता को समीप लाओ, सफल करो वरदान लो बाप को प्रत्यक्षता को समीप। तो बोलो ऐसी मीठी सिखाएं सुनते स्वयं में समाते हुए प्यारे ब्रह्मा बाबा के कदमों पर कदम रखते इस अव्यक्त मास में हरेक ने दृढ़ संकल्पों का वायदा करेंगे न। अब तो बाबा बाहें पसार कर वतन में हम बच्चों का आह्वान करे। बहुत बार ऐसा अनुभव होता है, ऐसे बाबा बाहें पसार, आओ बच्चे आओ आओ दौड़ो आओ उड़ो, ऐसे कहते हैं बच्चे जल्दी जल्दी संपन्न बनो संपूर्ण बनो और मेरे पास साथ वापस घर चलो। तो बोलो वह घर का गेट खोलने की डेट सामने दिखाई दे रही है ना, अभी समय और प्रकृति भी बाप दादा से बार बार यही पूछती कि ये प्रकृति पति एवर रेडी कभी होंगे, प्रकृति पति एवर रेडी कब होंगे। तो हम यही दिल के मंग से एक साथ मिलके कहें, बोलो सब मिलके कहें बाबा अब तो हम सब पुराने किनारे छोर सब कर्म बंधनों की रस्सियों से मुक्त उड़ता पंछी बन आपके पास आए कि आए आए कि आए। बोलो अंदर से ऐसा जवाब का हर एक को आ रहा है। बोलो भाई ये हम जवाब दे रहे हूँ या आप भी साथ में जवाब दे रहे हैं। बाबा सब रस्सियाँ किनारा छोर हम आपके पास अब उड़ के आए कि आए, हाँ बोलो ये जवाब हम आप सबका इकट्ठा है ना बाबा को।
बोलो क्या कहते हैं, रेडी? अरे आए कि आए, यहाँ भी देरी है। बोलो दादी, क्या सोचते, क्या बाबा बाहें पसार खड़े हैं, देख रहे हो? देखने में आता है अभी भी, हम देख रही हूँ, इतना बाबा लंबा खड़ा है, ऐसे बाहें पसार खड़े, बहुत मीठा। देखो हम बोल तो रही हूँ, मेरे सामने बिल्कुल बाबा खड़ा है। सिंध में एक सितंबर को थी जन्मी, कान्हा भक्ति दादे के मन में थी, 15 बरस की थी बाबा। ओम शांति। सच अ ब्यूटिफुल, सो बाबा इज देयर, आवर दादीज आर देयर, एंड दे ऑल आर वेटिंग फॉर अस राइट नाउ। इतना सुंदर अनुभव, बाबा है, दादी भी है, और सिर्फ ब्रह्मा बाबा नहीं लेकिन हमारे सभी पूर्वज वहां पर है, अपनी बाहें खोलकर हम सबका स्वागत कर रहे हैं। बहुत सुंदर भावना है, इमर्ज हो रही है ना। शिरीन बहन को भी बुलाएंगे और ये याद भी दिलाएंगे, कल हम भोग एक साथ स्वीकार कराएंगे। आपने भी प्लान किया होगा भोग बनाने के लिए, तो एक बार तो हम बाबा को भोग जरूर स्वीकार कराएं। और आप मेन्यू दीदी बताएंगे क्या बनाना है। एक चीज जो अवश्य हम देते हैं वो है कैरेट का हलवा, वो सबसे पहले हम बाबा को ऑफर करते हैं और सभी वो लेते हैं, स्वीकार करते हैं। तो मैं कैरेट और बनाना और फिर हम ब्रह्मा भोजन भी स्वीकार करते हैं। दीदी उसके बारे में और बताएंगे, लेकिन कईयों ने भोग के लिए रिक्वेस्ट भेजी है और हमें आपकी रिक्वेस्ट मिली है और आपका नाम भी अंदर डाल दिया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा सुन भी रहा है और वासना भी ले रहा है, लेकिन सारे अव्यक्ति परिवार की तरफ से भी हमने बाबा को बताया है अपनी प्यास में भरी याद किया।
Baba tomorrow twice, right? So we are double fortunate. Anyway, so I would like to invite our lovely angel sister, Sister Shireen. And then Shireen, Ben. Tell us about the menu. Okay. And then we'll sit in Baba's remembrance and then we'll do our good night meditation until 9:30. And then we will see again in the morning at Amritvela. So welcome, angels, Sister Shireen. Om Shanti, everyone. Om Shanti, Sabiko. Good evening, Didi. You said many very wonderful points, but the one that struck me was how we can good. Sorry, points aapne bahut achhi banayi, lekin jo aapne kaha ki apni shubhavnaon ko, shubhkamnaon ko, apna swabhav banana, aur wohi hame मुझे वो महसूस हो रहा था भट्टी में भी ये जो अशरीरी स्थिति का अभ्यास किया और अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास किया कि ये धीरे धीरे हमारा स्वभाव बनने जा रहा है और कल जो है वो लाइट हाउस माइट हाउस की प्रैक्टिस है जैसे दीदी ने भी बताया तो ये जो क्लास है ब्रिजमोहन भाई ये क्लास कराएंगे 10:30 इसके लिए और पांच तरीके हैं या पांच बातों पर विशेष हमारा ध्यान खिंचवाया जाएगा कि कैसे हम साइलेंस की शक्ति को अपने में ग्रहण भी करें और उसको फिर औरों को बांटे तो खुद अनुभव करें और फिर औरों को बांटे कैसे हम मास्टर सन ऑफ नॉलेज बने ज्ञान का सूर्य और लाइट हाउस माइट हाउस और कर्मातीत की स्थिति और कैसे हम बाबा के साथ जो बाबा एक सैटेलाइट है और हम उसकी शक्तियों को उसकी किरणों को लाइट हाउस माइट हाउस को अपने में समा रहे हैं और हम बन रहे हैं वैसा और फिर वो सभी तरफ फैला रहे हैं और एक याद दिला रहे हैं सभी को कि कल तो 18 जनवरी है ही लेकिन उसके बारे में ये भी विशेष बात है कि हम बाबा के रूम में बैठ सके अगर आप सेंटर के नजदीक रहते हैं ड्राइव कर सकते हैं तो आप जरूर सेंटर पर जाइए फिजिकल सेंटर में और बाबा के रूम पर बैठिए ये इतना जरूरी है बहुत बहुत जरूरी है सिर्फ जूम पर जो बैठे वो नहीं लेकिन कभी कभी आप अपने साथ भी समय बिता रहे हैं क्योंकि भट्टी का ये पूरा ही हमारा ये संकल्प है कि हम इन सभी डिवाइसेस से दूर जाए visit your local center and sit in Baba's room. So now let's share the menu. Oh, tomorrow's homework. Kal ka ye homework hai. Lighthouse and Might House. Lighthouse, Might House. बेफिक्र बादशाह बन लाइट हाउस माइट हाउस बन शुभ भावना शुभ कामना के वाइब्रेशंस फैलाते रहो हर एक बच्चे को बाप दादा नाम और विशेषता सहित याद प्यार दे रहे हैं अच्छा ओम शांति श्रीन बेन शेयर योर मेन्यू श्रीन बेन आप क्या बनाने वाले हो बताओ Muted. Okay, unmuted. I was thinking of hearing your. मैं सोच रही थी आपसे सुनो. मेरा तो बहुत सिंपल है. खीर बनाने वाली हूँ. पनीर की सब्जी और चावल. चपाती. और रोटी. बस उतना ही. That's for the morning. That's for the morning. सुबह के लिए. बहुत अच्छा। It's a very simple menu because all of the sisters here are really very much into the bhatti, so we didn't want to spend too much time cooking. Yeah. सब bhatti कर रहे हैं तो इसलिए। तो वैसे तो क्या करते हैं? अपने खीर का लेकिन ये गाजर की जो खीर बनती है ना उसको
इसलिए गाजर का दूध कहते हैं, तो उसको बॉईल करके बनाते हैं। और दिन के समय तो हम तो सुबह सुबह गाजर की खीर ऑफर करते हैं मुरली से पहले, और भट्टी के बाद जैसे 12 बजे हम लोग बाबा को ब्रह्मा भोजन स्वीकार कराते हैं, जिसमें हम हम आलू और थोड़ा पीस मटर और पनीर और फिर चावल, और हम एक एक स्वीट भी मीठा भी कुछ बना रहे हैं। हमारे पास थोड़े ही संख्या में हम बुला रहे हैं, लेकिन जिसको भी आना है भोग स्वीकार करना है तो वो भी हम, तो इसलिए स्वीट वर्मिसली माना ये जो सेवैया मीठी सेवैया, तो वो जिसको आना है तो वो भोग लेने के लिए भी आ सकते हैं। बटी तो ऑन है, ट्रांसमिशन है, लेकिन माताएं कुछ कुछ है बहुत उनको बहुत उमंग उत्साह है, तो थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ बनाते हैं, और शाम को तो अलग है पूरा, लेकिन ब्रह्मा भोजन कल का वो होगा आलू मटर की सब्जी। वही जो वीगन है तो वो टोफू यूज कर सकते हैं। तो evening menu, it's too long. Some of the things are which Baba used to like. कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं शाम के भोग के लिए जो बाबा को बहुत पसंद होती थी, तो उसमें जो येलो मूंग दाल है ना, मखनी दाल बोलते हैं उसको, जिस तरह से उसको बनाते वो थोड़ा तरीका अलग है, तो उसको मखनी दाल कहते हैं। और पूरी बनाते हैं उसके साथ, और थोड़ा सा पालक के पकौड़े, और दूध से फिर रबड़ी बनेगी। और एक बहन वो बनाएगी, और एक बहन जो है पनीर सब्जी बनाएगी, और ड्राई पोटैटो की सब्जी बनाएगी, थोड़े चावल, ऐसे थोड़ी सी थोड़ी कुछ कुछ चीजें बस बाबा के लिए। मुझे पता है ब्रह्मा बाबा को ड्रम स्टिक्स बहुत पसंद आती थी, शोके की फली बोलते हम लोग, थोड़ा थोड़ा बाबा के लिए यू नो ऐसे भोग के लिए बनाएंगे। ओके, ओम शांति, ओम शांति।